तो दोस्तों आज ही कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए ये घंटे का आइकॉन भी सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो वेलकम आज की वीडियो में। तो आज हम जिस टॉय की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है डाईकास्ट मेटल 1:60 रेशो। तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जिस ट्रक की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिस टॉय की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है डाईकास्ट मेटल 1:60 स्केल। तो अगेन हमने बात करी है 1:60 स्केल का मतलब एक्चुअल ट्रक बहुत बड़ा होगा, उसका 60th साइज का ट्रक हमारे पास में है। ये डाईकास्ट है मतलब कि ये मेटल का बना हुआ है, ऑफकोर्स इन्होंने अलग से भी लिख दिया मेटल। और बॉक्स पे हम देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है, और बॉक्स पे खास करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लाइट म्यूजिक है ये भी नहीं दे रखा है, पुल बैक ऑफकोर्स हमें दिख रहा है यहाँ पे, पुल बैक लिखा हुआ है। तो हम इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेप लगी हुई है हमने टेप इसकी हटा लेते हैं और उसके बाद में हम इसको ओपन करके ट्रक इसके अंदर से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों आता है आपका ट्रक, ये आता है ब्लस्टर पैकिंग के अंदर, ब्लस्टर पैकिंग से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, हम इस पैकिंग को रख देते हैं फॉर द टाइम बीइंग साइड में। तो ये हम जैसा कि देख सकते हैं ये एक फायर एक्सटिंग्विशर ट्रक है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का ट्रक है, इसके अंदर बैटरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ये हमें कैसे पता, बिकॉज ये नीचे क्लिप लगी हुई है, जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे बैटरीज का काम करना चालू हो जाएगा। तो इस ट्रक के अंदर भी आपको मिलती हैं LED साउंड, तो इसका मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं इसका बैटरी कंपार्टमेंट से बाहर निकाल देता हूँ। जैसे ही हम इस ट्रक को नीचे रखेंगे साउंड आने लगेगा, ओके। सो ये बहुत ही वियर्ड सा साउंड बनाता है, मेरे को समझ में नहीं आया साउंड में क्या था, जस्ट एक आवाज़ निकालता है साउंड, मेरे को क्लियर नहीं है कि क्या होता है। अंदर है इसके एक LED जो कि जलती बुझती है जब ये साउंड निकालता है, मैं आपको दोबारा से दिखा सकता हूँ, ये देखिए। ओके, सो दोस्तों इसके अंदर टोटल लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टायर्स। आगे का पार्ट इतना पोर्शन है इसका आयरन का, और जो पीछे का वाला ये वाला पोर्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन प्लास्टिक का है, नीचे का बेस इसका मेटल का है, यहाँ पे इसका है बैटरी कंपार्टमेंट। ट्रक ओवरऑल बहुत रियलिस्टिक लगता है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ट्रक काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, ऐसा नहीं लगता कि टॉय ट्रक है। बट ये केवल, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाले मॉडल्स केवल शोपीस हैं, रखने के लिए हैं, एक्चुअली खेलने के लिए नहीं है। पुल बैक एक्शन आपको इसमें भी मिलता है, अगर आप इसे पुल बैक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। स्पीड इसकी ऑफकोर्स थोड़ी सी रीजनेबली स्लो है जो कि अच्छी बात है, बिकॉज हमारे डेमो के टाइम पे ये भाग नहीं रहा, ये देखिए। तो ये पुल बैक एक्शन आपको इसमें भी मिलता है। तो ये जितने भी डाईकास्ट मेटल टॉयज़ की हम बात कर रहे हैं सब पुल बैक एक्शन के साथ में आते हैं। हमने बात करी थी इस वाले ट्रक के बारे में, इस ट्रक के साथ में आपको मिलते हैं 3 मॉडल्स, जो कि पहला हम आपको खोल के दिखा चुके हैं, ये रहा दूसरा मॉडल, ये इस तरीके से आता है, इसके ऊपर एक लैडर है, और इसका आता है तीसरा मॉडल जो कि है ये, इसके अंदर ऊपर ऑफकोर्स सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म जिससे कि ये ऊपर उठेगा। ट्रक के अंदर बेसिकली तीनों ट्रक काम एक ही करते हैं, जस्ट दैट के उनके डिज़ाइंस और मॉडल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है इसके बारे में, कहाँ से खरीद सकते हैं, उसका लिंक हम आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देते ही हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे को करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हम जो रेगुलर बेसिस पर बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर बेसिस पर बनाते रहें। थैंक यू सो मच।